हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं पायल फिर लेके आई हूँ आपके लिए स्पेशल सेगमेंट। जी हाँ, मुझे पता है आप लोगों को हमारे स्पेशल सेगमेंट्स बेहद पसंद आते हैं और इसीलिए आपके लिए हम लेके आते हैं टीवी की दुनिया की खुफिया जानकारी। तो देखिए और मज़ा लीजिए, रखो भरोसा अपनी मेहनत पर ना कि अपनी किस्मत पर, सपनों की तैयारी पूरी रखो फिर सफलता का स्वाद चखो। जी हाँ, कुछ ऐसी ही सफलता इन एक्ट्रेसेस ने साउथ की फिल्मों में भी दिखाई है। टीवी की ये मशहूर अभिनेत्रियाँ साउथ की फिल्मों में भी दिखा चुकी है अपना जलवा और खूब बटोरी थी वाह वाही। जी हाँ, छोटे पर्दे की अभिनेत्रियाँ केवल अपनी टीवी सीरियल की वजह से ही नहीं बल्कि फिल्मों की वजह से भी सुर्खियों में रहती है। टीवी इंडस्ट्री की ऐसी कई अभिनेत्रियाँ हैं जो सीरियल्स के अलावा फिल्मों में भी अपना हाथ आजमा चुकी है। इनमें से बहुत सी सफल अभिनेत्री बनी, वहीं कुछ का फिल्मी पर्दे पर करियर खास नहीं रहा। ऐसे में आज हम आपको टीवी की उन अभिनेत्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने साउथ की फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों को जीता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अनिता हसनंदानी की। ये छोटे पर्दे की चर्चित अभिनेत्रियों में से एक है। अनिता हसनंदानी ने साल 2001 में फिल्म नवू नैनू के साथ सिनेमा में डेब्यू किया था। तब से अब तक अनिता हसनंदानी साउथ सिनेमा की कई फिल्मों में नजर आ चुकी है। दर्शकों ने उनके अभिनय को खूब पसंद किया है। हाल ही में वह एक बेटे की मां बनी है जिसके बाद से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। फिर बात करेंगे एक्ट्रेस अदिति शर्मा की। ये गंगा और सिलसिला बदलते रिश्तों का टीवी सीरियल में नजर आ चुकी है। अदिति शर्मा को बॉलीवुड फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल में भी देखा जा चुका है। अदिति शर्मा भी साउथ फिल्मों की चर्चित अभिनेत्रियों में से एक रह चुकी है। उन्होंने साउथ की फिल्म गुंडे जलुमंडी, ओम शांति और बबलू में काम किया था। फिर बात करेंगे एक्ट्रेस अरिका फर्नांडिस की। अरिका ने एकता कपूर की टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी की में प्रेरणा का किरदार निभाया था। अरिका फर्नांडिस साउथ सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री है। उन्होंने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा की कई फिल्मों में अपने अभिनय से खूब सुर्खियां बचोरी है। फिर बात करेंगे एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या की। टीवी सीरियल कुंडली भाग्य की अभिनेत्री श्रद्धा आर्या ने अपने अभिनय की शुरुआत तमिल फिल्म से की थी। उन्होंने साल 2006 में तमिल फिल्म कालमनिन कंडली से डेब्यू किया था। उनकी इस फिल्म को खूब पसंद किया गया। इसके बाद श्रद्धा ने तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा की कई फिल्मों में भी काम किया है। श्रद्धा आर्या बॉलीवुड फिल्म निशब्द और शाहिद कपूर की फिल्म पाठशाला में भी नजर आ चुकी है। आखिर में बात करेंगे एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी की। ये बाल कलाकार के तौर पर टीवी सीरियल शाकालाका बूम बूम में नजर आई थी। इसके अलावा हंसिका मोटवानी ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया में भी काम कर चुकी है। इन दिनों ये भले ही बॉलीवुड से दूर हो लेकिन ये साउथ सिनेमा की टॉप अभिनेत्रियों में से एक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं पायल फिर लौटूंगी ऐसे ही स्पेशल सेगमेंट्स लेकर। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल टेलीमिर्च मसाला को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।